वेलकम बैक टू लॉ मिनिया विद मनीष। आज का लीगल जागरण है ज्यूरिसडिक्शन, जिसको बोलते हैं क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? द ऑफिशियल पार्ट टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स, जिसको हम अपने आम भाषा में कह सकते हैं अथॉरिटी, कमांड, कंट्रोल या पार। तो कोर्ट के संदर्भ में अगर बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन ऐसा एक वर्ड है जो कि कोर्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। कोर्ट के पास कमांड कंट्रोल क्या होता है? तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट मींस अ पार्ट दैट आर इंटरेस्टेड टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, क्लियर? ये ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हो गया। और कुछ टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, सेकेंड इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, थर्ड इज पिक्यूनिटी ज्यूरिसडिक्शन, फोर्थ इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, फिफ्थ वन इज एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ हम आपको समझाना चाहेंगे कि एक्चुअली इन ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग अगर बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की, क्लियर? तो सब्जेक्ट मैटर में एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एज ए कंज्यूमर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया या कोई सर्विसेज अवेल की, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट और इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज, इन दैट केस वी विल गो टू द कंज्यूमर फोरम। ये उसकी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करता है कि इन केसेस में हम जो है कहां पे जाएंगे, वो सब्जेक्ट मैटर हो गया। सेकेंड इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तो जियोग्राफिकल लिमिट्स की बात करता है। इसका एग्जांपल ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्राइम, कोई वारदात या कोई लीगल डिस्प्यूट एमपी में हुआ, तो उसके लिए हम एमपी की कोर्ट्स में जाएंगे ना कि यूपी की कोर्ट्स में जाएंगे। ये जियोग्राफिकल लिमिट्स की बात करता है। थर्ड वन इज पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मनी। तो कितनी मनी का मैटर है वो किस कोर्ट में जाएगा, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मिलेगा, जहां पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के बारे में हम बात करते हैं। और उनकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस में 1 करोड़ रुपीज तक का अगर केस है, मतलब कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया या सर्विसेज अवेल की और उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज तक है, तो वहां पे आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो आप कहां जाएंगे, स्टेट कमीशन में। 10 करोड़ एंड अबव है तो आप कहां जाएंगे, नेशनल कमीशन। तो ये एग्जांपल हो गया पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का। नेक्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो यहां पे हम एग्जांपल दो आपको देना चाहेंगे, जुवेनाइल ज्यूरिसडिक्शन, जुवेनाइल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स के बारे में। तो अगर कोई बच्चा है जो 18 ईयर से कम एज का है और उससे अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसका ट्रायल कहां पे होगा, जुवेनाइल कोर्ट्स में होगा। फैमिली कोर्ट्स में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स की बात आ गई तो वो फैमिली कोर्ट्स में अपने केस को फाइल करेंगे। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। एपीलेट के केस में लास्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे कोर्ट्स हैं जहां पे आप जाके लोअर कोर्ट्स के खिलाफ अपील कर सकते हैं उनके जजमेंट के खिलाफ। तो दैट टॉक्स अबाउट द एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है? थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मिनिया विद मनीष। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।